बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बैगर्स में देखें फीमेल जो हैं, ख़वातीन जो हैं, बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसका नुकसान और इसका जो इम्पेक्ट जा रहा है पाकिस्तान का, जो फॉरेन कंट्रीज़ में इम्पेक्ट जा रहा है, जो पाकिस्तान का एक जो हम इमेज ले सकते हैं वो जा रहा है, वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। पहली बात तो ये आती है कि बहुत सारी फीमेल, पहले सिग्नल पे बहुत कम फीमेल्स होती थी, बट अगर आप किसी भी फीमेल को देखें सिग्नल पे, आप गाड़ी रोकें और आपको लगता है कि वो बस बरसात आ गई है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात सात आठ आठ फीमेल्स होती हैं। वन पॉइंट दूसरा तो एक टाइम आया था कि गवर्नमेंट ने, आज से अगर सात आठ नौ साल पहले की बात की जाए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही इम्पेक्ट किया था कि वो सिग्नल से इन लोगों को पकड़ के इनको कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट, किसी एनजीओ को देते थे, वो इनके लिए इनको अपना इनका सर्कल चलाने का एक सेटअप उन्होंने तैयार किया हुआ था। बट ऑन द अदर साइड अगर अब हम देखें तो हमारे घरों में कामली इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसानी से आपको एक मांगने वाली आपको सिग्नल पर मिल जाती है। यहाँ मैं अपने ऊपर में अक्सर एक वीडियो लगा के चीज़ कर रही होती हूँ, यहाँ मैं एक वीडियो लगा रही हूँ ऊपर, उसका मौका भी ये है कि उस वीडियो में देखें कि दो लोग आपस में, दो फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, एक मांगने वाली खातून बैठी हुई है और वो किसी शॉप के आगे बैठी है, दूसरा फ्रेंड, एक फ्रेंड उसको पैसे देने लगता है, दूसरा उसको पैसे देने से रोक लेता है और वो उसको आगे ले जाता है। आगे कुछ थोड़ा सा आगे वो जाते हैं, जब आगे जाते हैं तो वो पानी की बॉटल्स परचेज करते हैं, पानी की बॉटल परचेज करके वो वापस आते हैं, उस औरत के पास रख देते हैं और उससे वो जब बॉटल्स रखते हैं तो उसमें से एक बॉटल निकालते हैं और उसकी, उस बॉटल की जो कॉस्ट होती है उसको वो दे देते हैं। अगर आपको कभी फील हो, आपको लगे कि यस, ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी नीडी है, आप भी एक्सरसाइज करें, बजाय आप उसको पैसे देने के, आप उसमें से उसको कोई ऐसी चीज़ ले दें जो आपको लगे और उसको ऑब्ज़र्व करें। हम सब का फ़र्ज़ है, बीइंग पाकिस्तानी, हम सब, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि हम चेक करें कि हमारी सोसाइटी में हम कैसे बेहतरी ला सकें। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, बात करें तो बहुत सारी चीज़ें टॉप से होती हैं, बट अगेन अगर कहीं पे गैप आ रहा है, उस गैप को आप भी ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में भी ये दिखाया गया कि उसने वेट नहीं किया, उसने उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसको फील हुआ कि येस, शी इज़ रियली नीडी पर्सन, तो उसने क्या किया कि उसने ना सिर्फ वहाँ से उसको ला के दिया। इसी क्लिप में दिखाया गया, बहुत अच्छी, ये मैसेज है, बहुत अच्छा एक लर्निंग मैसेज के साथ साथ एक सोसाइटी में चेंज लाने का मैसेज भी है कि फिर उन्होंने कैंडीज, चिप्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी ला के दी, फिर और आगे उन्होंने इम्पेक्ट उस में वहाँ किया कि उन्होंने इसको वेट मशीन भी ला दी और उस वेट मशीन में जब लोग वेट कर रहे होते थे तो ऑफकोर्स जब पर पर्सन एक फिक्स अमाउंट रख दी कि जी जो भी उस पर वेट करे उसको इतनी अमाउंट दे। एक तो इससे, इस वीडियो से ये इम्पेक्ट आता है कि हम, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज आवर सोसाइटी और चेंज भी इन अ पॉजिटिव वे। पहला चेंज तो क्या आया कि देखिए, जब एक बंदी बैठी हुई है मांगने के लिए, या एक बंदी सड़क पर चल रही है, वो मांग रही है, आप उसको अमाउंट नहीं दें, आप उसको पैसा नहीं दें, येस यू फील अबाउट कि येस शी इज़ रियली नीडी पर्सन, आप ऐसा करें कि आप उसको कुछ सामान ला दें। जैसे उसने इस वीडियो में दिखाया गया कि बॉटल्स ला दी, वो बॉटल में से आप एक बॉटल, यानी कि साड़ी ही परचेज कर ले, वो तो फिर बात खत्म हो गई ना, उसको सिर्फ पैसा चला गया, आप उसको एक बॉटल उसमें से परचेज कर लें और उसको एक्चुअल अमाउंट उस बॉटल की दे दें। फर्दर आप फिर उसको ऑब्ज़र्व करें, देखें कुछ दिन, कुछ टाइम के वो औरत क्या वाकई मेहनती है, वो बंदी मेहनती है, तो आप और चीज़ें ऐड ऑन करें। जब आप और चीज़ें कुछ थोड़ी, एक तरह से उसको दुकान, एक तरह से तो नहीं कह सकते, बट एक थोड़ा सा उसका सहारा बन जाएगा, और जब आप और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, निम्क हो गई, छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करें, और जब लोग परचेज़ करेंगे, लोग उस परचेजिंग में से उसको पैसे देंगे, तो लोगों को ये भी ख़त्म हो जाएगा कि उन्होंने मांगना है, लोगों का ये होगा कि यस, हमने मेहनत करनी है, मेहनत करके हमने अर्निंग करनी है। मुझे अभी भी एक बात याद है कि एक हमारे घर में एक मेड आती थी और उस खातून ने बताया कि बाजी,
मांगने वाली तो इतना कमा लेती है, तो मुझे तो लगता है उसकी कमाई ज़्यादा है। इससे हमें हम डीमोटिवेट कर सकते हैं मांगने वालों को कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसमें कोई डिग्निटी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वन मोर पॉइंट कि अब आप देखें कि इतनी मांगने वाली आपके सिग्नल्स पे होती हैं कि आपको ये भी आइडेंटिफाई नहीं करने में आसानी नहीं होती है, या आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आइदर ये एक्चुअल मांगने वाली हैं या कोई आपके घर की काम वाली तो नहीं कहीं किसी सिग्नल पर खड़ी हुई। तो ज़रा सोचें समझें और अपनी सोसाइटी को चेंज करने में एक मेजर रोल प्ले करें। थैंक यू।